ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 20. इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेज. फाइंड द नंबर. तो हमें नंबर पता करना है जो कि टू डिजिट का है. तो हमेशा नंबर जब भी टू डिजिट का हो तो हम लोग मानेंगे कि वो 10x प्लस वाई की फॉर्म में है. वंस प्लेस पे वाई है और टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सी है, एक्स है. अब आगे इसने कहा है कि जो नंबर है वो कैसा है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 20. तो डिजिट्स हैं एक्स और वाई, तो इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट्स को तो आंसर कितना आता है, 20. ये है अपनी फर्स्ट इक्वेशन. फिर आगे है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर. तो नंबर था 10x प्लस वाई, यदि उसमें 9 ऐड कर लें तब क्या होगा, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेज. तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि जो नया नंबर बनेगा वो बनेगा 10y प्लस x, यानी x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया उस नंबर में. तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस में 9 है, 9 को अपनी जगह पर रहने देते हैं. इधर है 10y, तो प्लस y है, इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस y. ये प्लस में x अपनी जगह पे है, 10x इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 10x हो जाएगा. तो 9 इक्वल टू 10y में से माइनस किया y, तो 9y रह गए. प्लस में x है, माइनस 10x है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 9x. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लिया, इधर रह गया y माइनस x. 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 1, ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर आ गया y माइनस x. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि माइनस x को y की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं. माइनस x इधर आ जाएगा तो 1 प्लस x इक्वल टू y, या ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस 1, जो कि अपनी सेकेंड इक्वेशन है. तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में. तो फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे तो इस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे यदि हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो x इंटू वाई, वाई की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 20. तो सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा. ये 20 भी इधर ले आते हैं तो माइनस 20 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आप लोगों ने स्प्लिटिंग मेथड सीखा होगा कि टू नंबर्स लेंगे, यानी मिडिल टर्म को इस तरीके से डिवाइड करेंगे टू पार्ट में, कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस 20 और प्लस माइनस करने पर x ही रहना चाहिए. तो आप लोगों को पता है 5 4 या 20 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 5x माइनस का 4x, क्योंकि 5x में से माइनस करेंगे 4x तो x आ जाएगा, और 5 4 जो 20 होता है. इस तरीके से हम लोग इसके क्या कर लेंगे, पार्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इधर रह गया x प्लस, इसमें से x कॉमन आ गया तो बचा 5. इन दोनों में माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा x. माइनस जब भी कॉमन लेंगे अंदर वाला साइन प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो गया. 4 5 जो 20, तो यहाँ पे आ गया 5 इक्वल टू 0. ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे. तो यहाँ पे x प्लस 5 इधर भी है, इधर भी है, इसको कॉमन ले लिया x प्लस 5 को, तो इधर वाली टर्म में क्या रह गया, x, और इधर रह गया माइनस 4 इक्वल टू 0. तो अभी अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, और इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे. तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5 है, इधर ट्रांसपोज किया माइनस 5, और इधर x की वैल्यू आ गई कितनी, 4. तो माइनस 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होती हैं. तो x इक्वल टू 4 अपनी डिजिट पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे. तो y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1. तो x की वैल्यू है 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5. तो y की वैल्यू आ गई 5. अब पता करना था नंबर, तो नंबर था 10x, x की जगह लिखेंगे 4, प्लस में y, y की जगह लिखेंगे 5, तो 45 वो नंबर है. तो इस तरीके से हम लोग नंबर पता कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 20. तो 5 4 जा 20 आ जाएगा. तो इस तरीके से आंसर चेक कर सकते हैं. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.